दोस्तों आप सबों को एक सच्चाई बताता हूँ, कड़वा सच है, बहुत लोग इसको नकारेंगे लेकिन इस बात को मानते हैं कि पुरुषों के मुकाबले महिला जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है। इसका पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों ऐसा कह रहा हूँ। आप लोग किसी ना किसी के मुंह से ये बात जरूर सुने होंगे और नहीं सुने होंगे तो आप अपने जीवन काल में ये जरूर अनुभव कर लेंगे। ऐसा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, आज हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में जो वुमेन है वो कितनी ज़्यादा सफ़र करती है डोमेस्टिक वायलेंस का, ऐसा जो पुरुषों से जो उनके हस्बैंड के द्वारा दिया जाता है। ओके, तो आज मैं उन्हीं चर्चा पर बात करने वाला हूँ और इतनी सारे प्रॉब्लम्स जो है वुमेन के साथ होता है। अगर हम बात करें इक्वालिटी की, हम बात करते हैं आज हमारा समाज में मैन और वुमेन दोनों इक्वल हैं, हमारा कानून ऐसा कहता है, लेकिन हमारा पुरुष जो है, हम पुरुष प्रधान जो है कभी भी वुमेन को अभी तक नहीं मान रहे कि वो इक्वल है। इसीलिए लॉ जो है, हमारा कानून व्यवस्था जो है, महिलाओं को स्पेशल प्रोटेक्शन दे रहा है ताकि उन्हें पुरुषों के बराबर समान दर्जा मिले। लेकिन आज हमारे सोसाइटी में, आज से नहीं दस बहुत पहले की बात है, जिससे कि वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किए जाते हैं उनके हस्बैंड के द्वारा और अपने ही घर में। एक बात हम लोग बताना चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा कि वुमेन के लिए सबसे सेफ प्लेस जो होता है उन्हें उसका घर होता है। मतलब किसी का भी सबसे, अगर किसी का भी सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित प्लेस होता है वो घर होता है, लेकिन ये डोमेस्टिक वायलेंस ही ऐसा होता है जो महिला को उसी सुरक्षित घर में उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है। सोचिए ये कितना बड़ा मिथ है, ये एक झूठा है, महिला के साथ ऐसा होता है। आज उन्हीं मुद्दों में से एक मुद्दों को मैं उठाने वाला हूँ, सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोलकाता हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में आप लोग में शेयर करूंगा कि महिला जो है बांझपन की शिकार हो जाती है तो उनके साथ तलाक मांगा जाता है उसके हस्बैंड के द्वारा और मेंटल क्रेल्टी किया जाता है। क्या पुरुष भी तो इनकैपेबल होता है कभी कभी, वो बच्चा ही पैदा करने के लिए, बच्चा नहीं पैदा करने के लिए महिला भी होती है, लेकिन आखिरकार देखा जाए तो वुमेन को जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। ओके, तो आज हाई कोर्ट जो है कोलकाता की, हम एक जजमेंट को देखेंगे जो कि आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है हमारे। ओके, बात करते हैं कि वो कैसे वुमेन जो होती है, वैसे वुमेन की बात करें जो कि बच्चा बांझपन की शिकार हो जाती है और बच्चा पैदा नहीं कर पाती है, तो ऐसे स्थिति में जो हस्बैंड जो है वो क्या करता है, वो डिवोर्स मांगता है। तो सोचिए एक वुमेन जो है उसके मन में कितना बड़ा सदमा है, वो कितना सदमा है उसको कि भाई वो कभी जीवन में माँ नहीं बन पाएगी, तो वे उसके लिए एक बहुत ही बड़ा सदमा तो है। दूसरी चीज़ है कि उसका हस्बैंड उसे तलाक मांग रहा है और मेंटल क्रुएल्टी बोल रहा है और हस्बैंड, तो सोचिए उस वुमेन के साथ क्या है, एक तो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली उसको सपोर्ट की जरूरत है और वहाँ उसका हस्बैंड उसको तलाक मांग रहा है। शादी होता है तो शादी में जो होता है कि पति पत्नी एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम लोग जीवन भर एक दूसरे के साथ साथ निभाएंगे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, लेकिन ये कैसा रिश्ता है जो कि एक बच्चा पैदा नहीं कर पाने के कारण, बांझपन होने के कारण वो उस अपना जो पति अपना वादा तोड़ देता है, उसके साथ इमोशनल फिजिकल जो है उसको सपोर्ट देने के बजाय उसे टॉर्चर किया जा रहा है। आप देखिए सुप्रीम हाई कोर्ट जो है, ये मामला हाई कोर्ट में जाता है और इसमें ये पूछा जाता है क्या जो वुमेन जो है, वुमेन को, वुमेन जो है, जो महिलाएं जो हैं वो अगर बांझपन है तो क्या पति जो है वो क्लेम कर सकता है डिवोर्स के लिए, ये क्वेश्चन उठाया गया। तो अब हम बताते हैं आप सबों को कि इनफर्टिलिटी ऑफ वुमेन इज नॉट ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। तो जो है कोलकाता हाई कोर्ट, एक बात, कोलकाता हाई कोर्ट में मामला जाता है, ये मामला 2007 का है जहां पर कोलकाता जो हाई कोर्ट ऑब्जर्व करता है, जस्टिस जो है इस बेंच में सुनते, जस्टिस जो है संपा, ठीक है, दत्त, इसको, इस मामले को सुनते हैं और अपने जजमेंट में ये बता कहते हैं कि जो है इनफर्टिलिटी, जो बांझपन इसका है, इनफर्टिलिटी ऑफ अ वुमेन कांट बी वैलिड ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। तो देखिए बांझपन जो है वो डिवोर्स लेने का वैलिड ग्राउंड नहीं है, जो है ये दत्ता, जस्टिस दत्ता कहते हैं हाई कोर्ट के। ओके, दूसरा बात यहां पे बोला के कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट ने इस बात हेल्ड किया सेकिंग डिवोर्स बाय मेंटल क्रुएल्टी, मेंटल क्रुएल्टी ऑफ, मेंटल क्रुएल्टी
फ्रॉम दी वाइफ अमाउंट टू मेंटल क्रैल्टी. सॉरी ओके, यहाँ पे जो है समझिएगा कि इस सेकंड नंबर पॉइंट में ये बोला गया था कि कोर्ट ने इस बात को हेल्ड किया कि अगर कोई भी जो है हस्बैंड जो है वो क्या मांग रहा है, क्या म्यूचुअल कंसेंट से, म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स मांग रहा है अपने वाइफ से, उसका डिमांड कर रहा है. और किस ग्राउंड पर? इस ग्राउंड पर मांग रहा है कि वो जो है क्या है, वो है इनफर्टिलिटी. मतलब कहने का मतलब कि वो बांझपन है. तो अगर इस तरह से मेंटली जो है हस्बैंड के द्वारा ये म्यूचुअल कि आपसी सहमति से मुझे तलाक दे दो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तो ये वाइफ जो मेंटल जो म्यूचुअल कंसेंट का जो डिवोर्स मांग रहा है, तो ये एक तरह का मेंटल क्रियल्टी माना जाता है. क्रियल्टी दो तरह के होते हैं, एक मेंटल एक फिजिकल. मैं पहले ही बता चुका हूँ अपने नेक्स्ट वीडियोस में जहाँ पर बताया था. मेंटल जहाँ पर होता है, जहाँ पर आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है आपको, ठीक है ना, डिप्रेशन में चली जाती है सब वुमेन जो होते हैं, बहुत सारे गाली ग्लोच ऐसे सब कोई बात ऐसे सब बात कहना जिससे कि मेंटली डिस्टर्ब हो जाए. साथ में उसके बाद फिजिकल क्रियल्टी होता है जहाँ पर मारपीट जो होता है वुमेन के साथ जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस. तो यहां पर जो है मेंटल क्रियल्टी जो आया किस चीज पर, इस बात पर मेंटल क्रियल्टी आया कि वुमेन को म्यूचुअल कंसेंट मांगा जा रहा है किस डिवोर्स के लिए, किस ग्राउंड पर, क्योंकि वो बांझ है इसीलिए ऐसा. और जो है ये कोर्ट ने ये माना कि वुमेन से इस ग्राउंड पर डिवोर्स मांगना कि वो बांझ है, तो वो एक तरह का मेंटल क्रियल्टी माना जाता है जो कि सेक्शन 498 का जो है एक डिफिनेशन में आता है. और इसके लिए आपको पनिश किया जाएगा, इसके अगेंस्ट में पनिश किया जाएगा आईपीसी के सेक्शन जो है 498 का ये सेक्शन है. ओके, जहां पर कोर्ट ने एक बात कहा कि देर आर मेनी ऑप्शन टू बी अ पेरेंट्स, बिकम अ पेरेंट्स. कोर्ट ने बात कहा कि पेरेंट्स बनने का जो है बहुत सारे विकल्प है, आप चुन सकते हैं. ओके, दूसरा बात है कि यहाँ पर जो है हस्बैंड को समझना चाहिए सिचुएशन को, बी अंडरस्टैंडिंग इन दिस सिचुएशन एंड हेल्प मेंटल फिजिकल एंड इमोशनल. तो यहाँ पर जो है कोर्ट ने बात कहा कि जो पति जो है उसको मेंटली फिजिकली जो उसको सपोर्ट करना चाहिए. दूसरी बात इसमें यह बोला गया कि ही हैज लॉस्ट ऑलमोस्ट 30 kg इन 2 years. तो ये जो है जो वुमेन के साथ जो सफ़र कर रही थी, जहाँ पर 30 kg जो है वो अपना वेट को लूज कर रही थी 2 सालों में, मेंटल क्रियल्टी की वजह से. सोचिए कितना बड़ा उसमें सदमा लगा होगा. ओके, इस बात को जानने के बाद कि वो कभी माँ नहीं बन पाएगी. तो ओके, तो ये तरह का मेंटल क्रियल्टी है. तो वुमेन अपने पिटिशन में ये बात बोलती है, ठीक है. उसके बाद कोर्ट ने ये बात बोला कि कोर्ट ने बात बोला कि हैड ऑल्सो रिप्लाई अपॉन द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सपोर्ट करते 2 ऐसा जजमेंट थे जो इसी तरह का केस थे. वहां पर ये बात बोला गया कि इसे रूपाली देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2019 का केस में इस सेम तरह का इसी तरह सा केस था. उसी तरह से 2 केस और था कि रणवीर उपाध्याय आदर्श वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. ये दोनों केस में यही बोला गया. इसको सपोर्ट करते हुए बात बोला गया कि मेंटल क्रियल्टी माना जाएगा यदि वुमेन को म्यूचुअली फोर्स किया जा रहा है कि वो डिवोर्स दे. किस ग्राउंड पर? क्योंकि वो बांझ है इसीलिए. तो ऐसे मामले में जो है वो क्या एक ऑफेंस माना जाएगा और उस हस्बैंड के खिलाफ जो है 498 का केस चलेगा मेंटल क्रियल्टी का. ओके, तो वुमेन के साथ इस तरह का करना सोचिए कितनी बड़ी दिक्कत है. तो ये हस्बैंड एंड हस्बैंड को समझना चाहिए इस बात को. ओके, तो ये जो केस का जो है टाइटल क्या है, अगर आप इसके जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं, इस केस का टाइटल मैं आपको बता देता हूँ. श्री उत्तम कुमार बोस वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. तो ये जो है इस केस का टाइटल है. अगर आप इस केस को डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन के नीचे आप जा करके वहां पर लिंक में क्लिक कर सकते हैं, डिटेल जजमेंट पढ़ सकते हैं. ओके, हमको नहीं लगता कि जजमेंट आप लंबा पढ़ पाओगे, क्योंकि मैं पढ़ा तो लंबा हो गया, ठीक है. उसके बाद जजमेंट पढ़ने के बाद मैं आप सबों की सारी चीज़ें बता रहा हूँ पॉइंट आउट करके वहाँ से निकाल के. तो आप खुद भी अगर जानना चाहते हो डिटेल में तो आप नीचे लिंक जाकर क्लिक कर सकते हैं. तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपके अंदर जो है एक पॉजिटिव भावना पैदा हुआ है वुमेन को लेकर. तो मेरा सबों से सजेशन है कि बी रिस्पेक्ट एवरी वुमेन,
ठीक है, चाहे आपकी माता बहन हो या ना हो, ऐसा यार किसी के साथ इस तरह का ट्रीट ना करें जो कि वुमेन के साथ उनके उनके जो है ऐसे स्थिति में जबकि वो मेंटली फिजिकली सफर कर रहे हैं, क्योंकि वो हम क्योंकि वो इन जो वुमेन ही होती है जो हमें जन्म देती है और हमें इस दुनिया में लाती है ऐसा, और उनको आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, सम्मान नहीं करोगे तो आगे वाली पीढ़ी हमें देख के क्या सीखेगा। तो बी रिस्पेक्ट एवरी वुमेन। थैंक यू एवरीवन इस लेक्चर से जुड़ने के लिए ऐसा, और नए नए जजमेंट आते रहेंगे, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। नए नए जजमेंट आएंगे कोर्ट के, मैं बनाऊंगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लव यू ऑल। थैंक यू। जय हिंद।